तो इसलिए कम से कम पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, उसके पहले भी थोड़े समझ गए तो ठीक है। और ये तब संभव है जब हम अपने ईगो को, अपने मान अभिमान को थोड़ा दूर कर दें। हम जैसे लोगों, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, वो बेन अभी बहुत बड़े कर रही थी कि वो यूं और ऐसा, इससे भी इंसान के अंदर हो सकता है आ जाता है थोड़ा थोड़ा ईगो हमारे मन में। तो हम चाहते हैं, सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि कहीं वो नहीं आए। बस जो तुम आओ हल्का होकर तजो मान का भारा, और ऐसी रहनी रहोगे जब तुम हो से उतरोगा पारा। तो इसलिए थोड़े हल्के बन जाए तो ठीक रहे। तो इसलिए उस आपे को छोड़ना पड़ेगा। और ये भी निश्चित है कि ये सब चीजें भी जो जो भी रहे हैं, देखो उन्होंने इस धरोहर को कायम किया, और तो ये जो धरोहर ये भी चली जाएगी। इसलिए कहा है यदि आया है सब जाएगा और राधा नहीं, अरे कोई सिंहासन पर चले कोई बने जिनके लिए आज आप और हम सब बैठे हैं, अपने जिनको बात किया या वो आपने लगा रखी है, देखो जिंदा है ना, और हमेशा अमर रहेंगे। तो आपके जो आपका जो काम है, आपके जो शब्द है, वो कभी मिटते नहीं है, ऐसा विज्ञान ने भी साबित कर दिया ना। आपकी बोली वैसे नहीं जाती, वो छूट करती है। इसलिए कहा है यदि पत्ता टूटा डाल से और ले ले पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जा। विजेंद्र कहते हैं वृक्ष बोला पात से काम कर लें तब कहीं बात करें, तब मानव जीवन की सार्थकता है, अन्यथा। इसलिए कहा है